नमस्कार, मैं आंचल, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम क्षेत्र ग्राम कनावनी में अचानक से अवैध तरीके रहे झुग्गियों में लगी भीषण आग, आग से कई सिलेंडर फटे जिसका धमाका दूर दूर तक सुनाई दिया। आनन फानन में लोग अपनी जान बचाकर मौके से भागते नजर आए। मौके पर अग्निशमन विभाग को जानकारी दे दी गई, जिसके बाद मौके पर अग्निशाम की दो गाड़ियां पहुंचकर आग बुझाने के प्रयास कर रही है। फिलहाल पूर्व में भी कई बार आग लग चुकी है। इन झुग्गियों में फिलहाल चार सिलेंडर फटने की सूचना, आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं। थाना इंद्रपुरम क्षेत्र ग्राम कनावनी में आग लगने की सूचना थी, जिसमें कई सिलेंडर भी फटे हैं। क्या है पूरा मामला? आज लगभग 15:26 पर फायर स्टेशन हमारा जो वैशाली है, वहाँ पे सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ झोगियाँ बनी हुई हैं कनावनी में, पुस्ता रोड के आसपास, और उनमें गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे हैं और आग लगी हुई है, जिसमें हमारा दशहरे के मद्देनज़र हमारा काला पत्थर पर एक फायर टेंडर खड़ा था, उसको तत्काल वहाँ से और दो गाड़ियां हमारी वैशाली फायर स्टेशन में घटनास्थल के रवाना की गई। यहाँ आके देखा तो झुग्गियों में बहुत बुरी तरह से आग फैली हुई थी और इसमें पेट्रोमैक्स जो सिलेंडर हैं वो उनमें ब्लास्ट हुए थे। लगभग 3 से 4 सिलेंडर घटनास्थल पर फट गए थे और इसमें किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है, कोई घायल नहीं है, आग बुझाई जा रही है। अभी तक इसमें क्या कुछ सामान थे, कितनी झुग्गियाँ थी इसमें? 4 से 5 झुग्गियों की सूचना है और अभी हम लोग जाँच करके इसको आगे बता पाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए टुडे 24 न्यूज़ के साथ।